से हाय टू द जन्नत का आज़ाद हिस्सा अपर नीलम वैली आज़ाद कश्मीर और ये है रत्ती गली लेक द अल्पाइन ग्लेशियर लेक ऑफ पाकिस्तान। मांडे खाते हुए के साथ को गरम मांडे खाने का भी अलग मजा आ रहा है। The coastlines of रत्ती गली लेक जो रत्ती गली का सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो मैं आपको इस टाइम दिखा रहा हूँ, जहाँ पे ये बेहतरीन फूल लगे हुए हैं। ये आसमान बादल फेर रहे हैं आसमान में, बिल्कुल खामोशी इस टाइम यहाँ पे, बहुत कम आवाम है और यहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा ही साफ है, बिल्कुल ब्लू वाटर अल्पाइन ग्लेशियर लेक है। ग्लेशियर स्पिगल के ये झील बनी है, ये ग्लेशियर स्पिगल के झील बनी है और ये झील 6 महीने बंद होती है वाटर स्नोफॉल की वजह से, यहाँ तक एक्सेस नामुमकिन होती है, तो इस वजह से ये फरवरी टू अक्टूबर झील ओपन होती है। आप इजीली आ सकते हैं बेस कैंप तक जीप ट्रैक पे और बेस कैंप से यहाँ तक 1 आवर हाइकिंग एंड ट्रैकिंग, फूड ट्रैकिंग है। मैं इस चट्टान पे चढ़ने वाला हूँ, यहाँ से देखते हैं कि रत्ती गली लेक का व्यू कैसे नज़र आता है। ओह दोबारा हाइकिंग, टांगों में इतना दर्द हो रहा है कि पता नहीं ये तो रात को पता चलेगा जब सोने लगेंगे कि कितना दर्द होता है। और ये यहाँ से ऊपर से व्यू रत्ती गली लेक, वाह अमेजिंग। ये टॉप से व्यू है रत्ती गली लेक का, जिसमें ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ रत्ती गली लेक कवर हो रही है। इंतहाई सुकून, सफाई
बस आप लोगों ने ये वाला जो काम है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना काइंडली। और टूरिज्म को पाकिस्तान में प्रमोट जो कर रहा हूँ, उसका मेन पर्पज़ मैंने यही रखा हुआ है कि इन प्लेसेस को काइंडली आप कीप एंड क्लीन एंड इन द सेम कंडीशन एज अल्लाह हैज़ बिस्टोर्ड दिस प्लेसेस टू अस रखें, तभी इनकी नेचुरल ब्यूटी कायम दायम रहनी है, वरना यहाँ की खूबसूरती मान पड़ जाएगी। तो यहाँ पर गंदगी बिल्कुल ना फैलाएँ, इस जगह को साफ़ सुथरा रखें जैसे अल्लाह ताला ने इसको साफ़ सुथरा बनाया है। हम इंसान हैं और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम सफाई का ख़ास ख्याल रखें, और बहसियत मुसलमान सफाई निसफ ईमान वाला जो पहलू है हमारा इस्लाम का, उसको मद्देनज़र रखें और उसको हमेशा हर जगह पर पूरा करें। स्पेशली इन जैसे खूबसूरत मकामात पर तो गंदगी बिल्कुल ना फैलाएँ और इस जगह को साफ रखें। शुक्रिया।